मैं ये कहूंगा कि उसे किसी मुर्शिद की दुआ है. इस मुर्शिद के पीछे कोई दुआ है. देखिए, मैंने जो एपिसोड उसका देखा है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, सच्ची बात ये है कि बहुत ही बड़ा डायरेक्टर फारूक रिंद, बहुत बड़ा नाम और बहुत ज़बरदस्त प्ले बनाए और बहुत ही हिट ड्रामे और हमेशा बड़ा बेहतरीन काम किया, लेकिन मुझे बहुत सारी बातों की इसमें समझ नहीं आई है, माजरत के साथ टू फारूक रिंद, उनसे मैं माजरत कर रहा हूँ. एक तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक इंतहाई बुर्दबार आदमी, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक बड़े हैंडसम से जवान से लड़के को छत पे उसने कमरा दे दिया हुआ है और वो लड़की जाती है और वो 8-8 मिनट का रोमांटिक सीन उसके साथ छत पे बैठ के करती है. छत पे बैठ के, ये नहीं कि कमरे में, यू नो, कमरे के बाहर या कोई ऐसी जगह पे, ऐसी जगह पे बैठ के करती है जहां अगर कोई देख ले तो कोई गुंजाइश ही नहीं है आपके पास कि आप ये कहें कि मैं, हम तो ये बात कर रहे थे. यू नो, आप बिल्कुल ही रूफ पे बैठे हुए ना, आप उस पे नहीं हैं, अपने छत का जो टेरेस है उस पे नहीं है और किसी ऐसी जगह पे नहीं है. आप तो उसके, मतलब पतंग लूटने के लिए जिस पे चढ़ा जाता है. फॉरेनली तोता मैंना दिखाए छत पे चले जाते. मतलब मुझे मुझे इस बात की समझ नहीं आई है कि इस कदर ओपनली रोमांस कैसे हो रहा है. अच्छा, अब वो सीन भी बहुत लंबा था, कोई कम से कम 7 मिनट का सीन था वो. कम से कम 7 मिनट का, वो 8 मिनट का भी हो सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैंने बहुत टाइमिंग तो नहीं उसकी नोटिस की थी. फिर मुझे कहीं कहीं लगता है कि वो बच्चा बिलाल अब्बास जो है वो जरा ओवर कहीं पे, जैसे नूरुल हसन साहब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए जब वो बेटी नीचे उतरी तो उन्होंने कहा तुम इस वक्त ऊपर क्या कर रही थी, तो उसने पता नहीं कोई कुछ कहा कि मैं ये कर रही थी, तो उसने कहा कि वो कहाँ है, उसने कहा वो कमरे में होगा, पता नहीं उसकी लाइट तो जल रही है, शायद जाग ही रहा है, और वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले गए और उन्होंने जाके उससे कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, तुम्हें ख्वाबों की ताबीर जानते हो तुम, तो उसने कहा कि जी मैं बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल, मैं तो ख्वाब जो हैं वो बहुत बेहतरीन बता सकता हूँ और आप मुझसे पूछिए कि वो क्या ख्वाब है, वो मैं आपको अभी उसकी ताबीर जो है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, आप मुझसे मुझे ख्वाब पूछिए वो आप. एक तो इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर तो आप कन्फ्यूजन दिखा रहे हैं कि आपके अंदर कुछ चोर आ गया है तो भी इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है. वो प्ले ने बिलियन व्यूज़ पे चला गया है, वो बहुत हैंडसम लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है, उसने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, वेरी केपेबल एक्टर, उसमें कोई कोई शक ही नहीं है, बट आई थिंक वो जरा उसको ओवर प्ले कर रहा है. फिर उसने अपने घर में ये बताया हुआ है कि मैं विलायत में बैठा हुआ हूँ, वो व्हाट्सएप पे अपने बाप को फोन करता है, और कहीं इसी एपिसोड में ये बात रिवील हुई है कि माँ ने ये कहा कि उसको ये मत बताइएगा कि हमें पता चल गया है. ठीक है, एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक लड़का साइकिल लेके भी घूम रहा है, गाड़ी ड्राइव भी कर रहा है, मार्केट्स में भी जा रहा है, इतना खुलेआम फिर रहा है, और घर में उसने कहा हुआ मैं तो विलायत में बैठा हुआ हूँ. देखिए, मुझे उसमें काफ़ी सारे फ्लॉ नज़र आए हैं, कम से कम जो एपिसोड मैंने देखा, लेकिन वो लड़का और लड़की का जो जो रोमांटिक सीन्स हैं उनके, मुझे लगता है कि लोग उस पर फ्लिप हो चुके हुए हैं और हुक हो चुके हुए हैं. वो दोनों बहुत प्यारे लगते हैं रोमांस करते हुए, बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनका वो रोमांस जो है वो शायद बहुत सारी बातों को कवर कर रहा है. तो ये आप इमोजी कौन सा दिखाएंगे जी? मुश्किल हो गया दिखाना. मुश्किल से आप कौन सा इमोजी दिखाएंगे? मुश्किल से इमोजी दिखा रहे हैं. मुझे मुश्किल इमोजी आया है. मुश्किल इमोजी में मैं यही दिखा सकता हूँ. आप हैरान है ये इसको किस मुर्शिद की दुआ है? हमने उसी मुर्शिद के पास जाना, हमने उसी मुर्शिद की दुआ लेनी है. फिर वही बात है, बिलाल ने आप गए और मैं आया और वो चले गए और वो यूं हुआ कि
बाबा आपने मुझे मुझे जब भी आप कहती हैं मुझे भाई यार तुम क्यों कर रहे हो ये, तुम इतने अच्छे एक्टर हो, तुमने इतना प्रूव किया है अपने आप को, प्लीज तुम थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे हो बेटा इस तरह के सीन्स में। रोमांटिक सीन तुम टिका के करते हो, तुम्हारी केमिस्ट्री समझ में आ रही है, वो बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री है, अल्लाह करे ऐसी ही रहे, वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जरा सा तुम थोड़ा ओवर कर रहे हो बाकी कुछ जगहों पे। सॉरी, हर आदमी की अपनी एक जॉब होती है। बिल्कुल। अहमद जहां ज़ेब के बकौल, हाँ, जब उसने ये ओएसटी बनाया और सुनाया तो इट वाज ऑलमोस्ट रिजेक्टेड। इट वाज रिजेक्टेड। उससे ये टाइटल ट्रैक रिजेक्ट हुआ। यस, का अलग था ना ओएसटी, वो ये तो बीच का गाना, ये तो बीच का था, वो शुरू में जो चला था जिसके बारे में नादिया को बुरा लगा था वो एक और गाना था, ये नहीं, ये तो खुद उसने, हाँ हाँ, ये तो मैंने उससे सुना है ना, खुद खुद मैंने सुना है उससे। तो ये है वो मुर्शिद, तो हाँ मुर्शिद का गाना, तो मुर्शिद की दुआ, ये शुक्र है कि आपको उसने कन्विंस कर लिया और आपने इसको ऐड कर लिया। आपको अंदाजा नहीं है कि इसने आपके प्ले को कितना बड़ा किक दिया है, आप सोच नहीं सकते कि मैं जो कि ये कहता हूं कि कोई 22-24 फिल्में अब तक रिलीज हो चुकी हैं पाकिस्तानी, और उन 24 फिल्म्स में से आप मुझे किसी एक फिल्म का गाना बता दीजिए अभी इसी वक्त और मैं आपको इनाम देने को तैयार हूं। म्यूजिक हमारा इस तरह से जा रहा का स्पेशली, और ये वो गाना है जिसको मैंने सुना तो मुझे पहले नहीं पता था कि ये इश्क मुर्शिद का है, तो मैंने कहा यार ये कितना जबरदस्त गाना है, किसने गाया है, किसने कंपोज किया है, इज इट अ सॉन्ग ऑफ अ फिल्म और व्हाट। वो मैं कहता हूं कि जितना सपोर्ट उसने किया है ना इस सीरियल, बहुत ही बड़ा हिट प्ले है वो, उसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं अपना उसमें व्यूज़ में भी और बाकी भी तमाम चीज़ों में, लेकिन बहरहाल इस एपिसोड को देखते हुए अगर उस राइटर को फोर्स भी किया गया है कि इसको ज़रा थोड़ा खींचना है, इसमें सीन्स ऐड करने हैं, आई डोंट नो, हमें इस फैक्ट का नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत इस एपिसोड्स में ज़रा वीकनेसेस थी, तो मैं लेकिन फिर भी मैं इस पे तबसरा शायद ना कर सकूं ठीक से, आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो नंबर्स, नंबर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा नंबर देने, लेकिन इस एपिसोड को तो मैं 6 नंबर दूंगा। 6, गुड जॉब। मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर हैं, लेकिन फारूक भाई से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इतने उनकी इतनी अथॉरिटी है कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, कुछ डायरेक्टर्स की नहीं होती है, कुछ डायरेक्टर्स पे आप अपनी मर्जी इम्पोज कर सकते हैं, आप उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि नहीं ये करना पड़ेगा, वो कह सकते हैं कि नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, और वो चेंज भी कर सकते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो उसे चेंज करें, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और उनके प्ले में अगर कोई एरर हमें दिखाई देता है तो वो हमें ज़रा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि वो फारूक रिंद हैं, इसमें हैं ज़रा थोड़े ऐसी बातें हैं जो आपको कन्विंसिंग नहीं लग रही हैं, तो फारूक भाई इसका ख्याल रखें। अगर नंबर्स देने हैं तो मैं उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए 6 नंबर ही दूंगा इसमें भी। स्टिल गुड जॉब। हाँ, मैं कोई बहुत कम की गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं दे सकता। शिप्रा इज़ गुड, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है वो, आई मीन शी इज़ फ्रेश, शी इज़ प्रिटी, शी इज़ ब्यूटिफुल, और वो काम भी बहुत अच्छा करती है, कोई उसमें शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा तबसरा तो उस पर नहीं करूँगा, बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि लड़कियाँ मुझे छेड़ेंगी आप ज़्यादा तबसरा नहीं कर रहे नहीं, वो अच्छी है, वो अच्छी है। मैं समझता हूँ कि बात वही है कि इस प्ले की जो सक्सेस की स्ट्रेंथ है वो उनके रोमांटिक सीन्स हैं और ये ओएसटी है, तो जाहिर है कि जिस बेस पे ये प्ले इतना क्लिक किया कि अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है इसमें जो जिसमें आप
को लगता है कि दोनों बड़े क्यूट लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं और रोमांस करते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं, और हम इस बुढ़ापे में भी कहीं उस मकाम पर पहुंच जाते हैं, ज़रा थोड़े रोमांटिक से हो जाते हैं। तो अगर हमारी उम्र के लोग हो जाते हैं तो यू नो ये हकीकत है। तो फिर यंगस्टर्स जो हैं वो तो बहुत ही फिदा होते होंगे। तो आप दुनिया फिशा को देख रोमांटिक हो जाते हैं। नहीं, वो हमारी तो खैर बच्चों की तरह है, लेकिन मैं उसको 7 नंबर दूंगा डेफिनेट। वेरी गुड जॉब। थोड़ा ओवर कर रहा है कहीं कहीं, दो ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बहुत शानदार अदाकार है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करके दिखाया है उसने, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा ओवर है। मैं ऑलरेडी ज़रा सी बदतमीज़ी कर चुका हूँ उसकी थोड़ी सीन को डिस्कस करते हुए, तो मुझे लगता है कि 5 इसमें। ओके जवाब महीना जी। 6 आगे बढ़े। 6 रुबीना जी। 6 आगे बढ़े। 6 आगे बढ़े।